हेलो फ्रेंड, मैं अविनाश और आपका स्वागत है हमारे चैनल में प्रोग्रामिंग टेक ट्यूटोरियल में। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं सी शार्प के अंदर। तो जानेंगे कि बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग होता क्या है और इसका यूज क्यों करते हैं हम। तो सबसे पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो नेक्स्ट में हमारे जो वीडियो आए वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो और आप उसे कुछ सीख पाए। ठीक है। सो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग का कॉन्सेप्ट होता क्या है? सो जब हम बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग कहता है कि जब हम किसी वैल्यू को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम बॉक्सिंग कहते हैं। और जब किसी ऑब्जेक्ट डेटा टाइप के वैल्यू को हम मतलब जो कन्वर्शन किया हुआ है, यानी हम जिस वैल्यू को पहले इंटीजर में था उसको फिर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किए, बॉक्सिंग किए, अब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया हुआ वैल्यू को हम फिर से इंटीजर में या दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम अनबॉक्सिंग करते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हूँ और देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास एक इंटीजर डेटा टाइप, इंटीजर का एक डेटा टाइप में है जिसमें हमने रखा हूँ 10 वैल्यू रखा हूँ। ठीक है। तो इस जो ए है, ए को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ क्या, मैं बी में रख रहा हूँ जो जिसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है। ठीक है। और उसी बी को मैं फिर से इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ और सी में रख रहा हूँ। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बॉक्सिंग कहते हैं। ठीक है। और इसको हम अनबॉक्सिंग कहेंगे। सो इसका पूरा डिटेल पढ़ने के लिए तो चलिए हम अपने ब्लॉग पे चलते हैं, फिर उसके बाद हम इसका एग्जांपल देखेंगे कैसे होता है। ठीक है। तो ये हमारा ब्लॉग है प्रोग्रामिंग टेक ट्यूटोरियल बोल के। सो आप यहाँ पे जाएंगे, सभी बहुत सारे जो भी आपको रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। बहुत सारे पोस्ट है और बहुत सारे पोस्ट होंगे। सो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस रिलेटेड में पोस्ट चाहिए या किस रिलेटेड में वीडियो चाहिए। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में कर सकते हैं, या आप हमारे ब्लॉग पे भी अपना क्वेरी लिख सकते हैं। सो चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ चलता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो दिया हूँ, देखिए क्लियरली ये कहा गया कि बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग जो है एक कन्वर्शन है जो वैल्यू का कन्वर्ट करने का। ठीक है। जब हम डेटा फ्रॉम टाइप ऑब्जेक्ट किसी टाइप से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम बॉक्सिंग करते हैं, और उसी डेटा कन्वर्शन किया हुआ ऑब्जेक्ट को हम फिर से वही डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो उसको अनबॉक्सिंग करते हैं। ठीक है। बॉक्सिंग में कुछ मेमोरी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो बॉक्सिंग जब हम करते हैं तो वो जो बॉक्सिंग किया हुआ डेटा, मतलब जो बॉक्सिंग करने के बाद जो डेटा हमारे पास आता है वो हीप मेमोरी में स्टोर होता है। और अनबॉक्सिंग जो होता है, अनबॉक्सिंग जब करते हैं वो स्टैक में चला जाता है। तो हीप और स्टैक बहुत बड़े एक पार्ट है एक मेमोरी मैनेजमेंट का। सो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके बारे में आपका क्लियर कर दूँ, या आप हमारे ब्लॉग पे भी देख सकते हैं, ब्लॉग पे मैंने इसको पोस्ट किया हूँ। सो देखा जाए तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि जब किसी रेफरेंस वेरिएबल को हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करते हैं फिर से रेफरेंस में तो उसको अनबॉक्सिंग करते हैं। ठीक है। सो ये पूरा चीज़ मैंने यहाँ पे दिया हूँ और इसका चलिए मैं सही एग्जाम्पल लेता हूँ। सो यहाँ पर देखिए मैंने एक कंसोल एप्लीकेशन बनाया है जिसमें आपका सेम चीज मैंने किया हूँ, इंटीजर में एक 10 वैल्यू रखा हूँ, ऑब्जेक्ट में वही ऑब्जेक्ट में बी ऑब्जेक्ट वेरिएबल में ए का वैल्यू रख दिया हूँ, फिर से सी वही उसे ही किया हूँ। चलिए इसको रन करके देखते हैं रन होता है कि नहीं।
सो ऑफ कोर्स आपको बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ये एक छोटा सा पार्ट है सिर्फ मेमोरी मैनेजमेंट का और थोड़ा सा कन्वर्जन के ऊपर में ये काम करता है। सो ये देखते हैं, अभी हमारे से एप्लीकेशन सेव हो रहा है, ठीक है। सो अगर आपको और किसी चीज़ के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारा हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा पोस्ट किया हुआ, जैसे आप डेटा को डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं वगैरह, जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए स्टेट मैनेजमेंट, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और हमारे जो पिछले वीडियो आया है तो उसमें भी ये चीज़ बताया गया है सब चीज़, तो चलिए देखते हैं। सो यहाँ पे मैंने आउटपुट नहीं दिखाया था कोई, तो इसलिए ये कोई आउटपुट नहीं दे रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे डिबग पॉइंट लगाया था और डिबग हुआ क्यों नहीं, एरर, एप्लीकेशन बंद हो जा रहा, ठीक है। तो जस्ट यही कॉन्सेप्ट है, एप्लीकेशन बंद हो जा रही है, अब मैं हमारा विजुअल स्टे में रखता है, कुछ प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, तो ये वीडियो बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के लिए काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें, ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।